हे गाइज, वेलकम टू बैक एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आपको रेडमी फ़ोन पसंद है तो आप 2-4-5 दिन रुक सकते हो, क्योंकि हमें बहुत जल्द इंडिया में रेडमी 11 प्राइम देखने को मिल रहा है। रेडमी 11 प्राइम 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है। गाइज, इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट दिया गया है। बट हमें रेडमी 11 प्राइम में MediaTek Helio G99 का चिपसेट यूज किया जाएगा। गाइज, ये चिपसेट काफी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसमें आप गेमिंग काफी बढ़िया से कर सकते हो। तो गाइज, ये स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, जो कि सब कुछ कंफर्म हो चुका है। चलिए हम पूरा डिटेल में इस स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं। तो गाइज, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे। तो ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह देखने को मिलेगा। और गाइज, ये स्मार्टफोन का जो बैकबोर्ड होगा पॉलीकार्बोनेट का होगा, एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड रहेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। और गाइज, ये स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 4GB की रैम है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। इसका जो टॉप वेरियंट रहेगा गाइज, वो आपको रहेगा 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट रहेगा। तो गाइज, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते यानी कि प्रोसेसर की, तो गाइस जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बताया, इस स्मार्टफोन में MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G99 का चिपसेट यूज किया जाएगा, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो गाइस, ये चिपसेट हमें Poco Realme जैसे फोन में देखने को मिल चुका है। इसके अलावा अगर इस फोन की हम डिस्प्ले की बात करेंगे, तो इसमें आपको 6.58 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। गाइस, Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है और ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। तो गाइस, देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर हम इसके कैमरा की बात करेंगे, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा है, 2MP का माइक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। इसके बैक कैमरा से आप फुल HD 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी के लिए इसमें आपको 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और इसके फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल रहेगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों दिया गया है, और 3.5mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस, अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करेंगे, तो यह स्मार्टफोन आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 13,000 रुपया। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। तो गाइस, इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 13 सितंबर 2022। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।